शेर और खरगोश की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था जो रोज कई जानवरों का शिकार करता था। शिकार करते करते जंगल के सारे जानवर जैसे कि छोटे जानवरों को उसने खत्म कर दिया था। इसलिए जंगल के बचे कुछ जानवरों ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में सबसे पहले हाथी ने कहा, ये बैठक क्यों बुलाया गया है? ये बैठक क्यों बुलाया गया है मुझे नहीं पता, मुझे कोई तो बोलो ये बैठक क्यों बुलाया गया है। तब खरगोश कहता है, ये बैठक इसलिए बुलाया गया है कि जंगल में जो शेर है वो हम सबको खा रहा है। मतलब कि जंगल में जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं उन सबको अपना शिकार बना रहा है। इसको रोकने के लिए ये बैठक आयोजन किया गया है। तब बंदर कहता, हाय भगवान, क्या करें हम? इस शेर का रोज कितने जानवरों को मारेगा, वो कितना भूखा है। हम सबको इसे होने से तो हम सब मर ही जाएंगे और ये जंगल जानवरों के बिना सूना हो जाएगा। हाय भगवान, तब वो रोने लगा। तब खरगोश कहता है, बंदर भाई मत रो, हम कोई ना कोई उपाय निकाल ही देंगे। तब बंदर कहता है, भगवान निकाल ही देना। तब चालाक लोमड़ी कहता है कि मेरे पास एक उपाय है, क्यों ना हम शेर के सामने एक प्रस्ताव रखें कि हम रोज उसको एक एक करके भोजन देंगे, एक एक करके जानवर देंगे, आपको सिर्फ शिकार नहीं करना है, ये बोल के हम आते हैं। इस बात को सारे जानवरों ने सहमति दी और बोला कि जाके बोलो शेर को। तब खरगोश ने कहा, सिर्फ लोमड़ी नहीं जाएगा, मैं और बंदर भी जाएंगे। इसके बाद बंदर और लोमड़ी शेर की गुफा के पास चले जाने लगे। जब वो लोग शेर की गुफा के पास आ गए तब खरगोश ने शेर को बुलाया, शेर जी आप थोड़ा बाहर निकलिए ना। तब शेर निकलता है और शेर कहता है कि क्या हुआ खरगोश, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं तो सो रहा था, क्यों मुझे आके परेशान कर रहे हो, क्या हुआ? तब खरगोश कहता है कि शेर जी माफ़ी, हम लोगों ने आपके लिए एक प्रस्ताव लाया है कि आप रोज़ कितने जानवरों का शिकार कर रहे हो, ऐसे तो हमारे जंगल में सारे जानवर ख़त्म ही हो जाएंगे। तब शेर गुस्से से कहता है, क्या मैं शिकार करना बंद कर दूँ? मुझे भूख लगती है इसलिए मैं शिकार करता हूँ, मैं शिकार नहीं करके मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा। तब खरगोश कहता है, पता है मुझे, इसलिए हम लोगों ने आपके लिए एक प्रस्ताव लाया है कि आपको शिकार नहीं करना है, हम आपको रोज़ एक एक करके जानवर देंगे और वो आपको भोजन करना है। आपको शिकार ना करने के लिए हम लोग आपको ये तोहफा के रूप में ही देंगे, आप समझ सकते हैं। तब शेर सोचता है कि वाह अच्छा है, ऐसे तो मुझे शिकार करने जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तब वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, जैसे चाहो ऐसे करो, पर मुझे रोज़ एक ना एक जानवर चाहिए, मुझे भूख लगती है और मुझे भोजन की सख्त ज़रूरत होती है। ये बोल के शेर भी अपने गुफा के तरफ चला गया और खरगोश और बंदर भी अपने घर के तरफ चले गए। ऐसे करके रोज एक एक जानवर आता और शेर का शिकार बनता, ऐसे ही चल रहा था। इसके
बाद जानवरों ने फिर से एक नई बैठक बुलाई। फिर से हाथी सबसे पहले बोलता है कि लोमड़ी, ये कैसा उपाय तुमने निकाला? पहले भी हम लोगों का जानवर मरता था, अभी भी मर रहा है। तब बंदर कहता है कि तुम झगड़ा मत करो, मेरे पास एक उपाय है, इस काम के लिए खरगोश ठीक रहेगा, मैं खरगोश के घर में जा रहा हूँ। ये बोल के बंदर भी निकल पड़ा खरगोश के घर जाने के लिए। इसके बाद खरगोश के घर के सामने बंदर चला गया और खरगोश को बुलाया, खरगोश जी। तब खरगोश निकला और निकल के कहा कि, खरगोश निकलने के बाद बोला, हाँ बोलो क्या हुआ? और हाँ माफ़ी, आज बैठक में मैं नहीं आ पाया। तब खरगोश ने इस खरगोश की बात सुनने के बाद बंदर ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, तुम नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने बैठक में यही बात की थी कि पहले भी जानवर मर रहे थे, अभी भी मर रहे हैं, एक एक करके ज़रूर मर रहे हैं, पर मर तो रहे हैं, क्या करें इसका? तो खरगोश ने बोला कि उपाय तो निकालना पड़ेगा। तो बंदर कहता है, मेरे पास एक उपाय है, इस काम के लिए तुम ठीक हो, तुम मेरे मदद करोगे? तब खरगोश कहता है, ज़रूर मैं मदद करूँगा। बाद अगले दिन खरगोश की बारी आई और खरगोश जब जा रहा था तब वो सोच रहा था कि जैसे बंदर भाई ने बोला है ऐसे ही करना पड़ेगा। इसके बाद तब वो शेर की गुफा के पास आने के बाद शेर को बुलाया, शेर जी आप बाहर निकलिए ना। तब शेर निकला और निकल के बोला, इतनी देर कैसी होगी, मुझे कितनी भूख लगी थी, पता है खरगोश तुम्हें? तब खरगोश ने कहा, माफ़ी, जंगल में एक नया शेर आया है जो आपको मारना चाहता है, उसने मेरा रास्ता रोक के रखा था। तब शेर गुस्से से कहता है कि क्या, कौन मुझे मारेगा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। तब खरगोश कहता है, हाँ एक दुश्मन आया है आपका, वो ही आपको मारना चाहता है। तब शेर ने कहा, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे इसके पास ले जाओ खरगोश, मुझे इसके पास ले जाओ, मैं इसको मार डालूंगा। बोल के खरगोश ने कहा, ठीक है मेरे पीछे पीछे आइए आप। तब खरगोश ने शेर को कुएं के पास ले आया और उसने बोला कि शेर जी देखिए कुएं के अंदर ही है वो। तब शेर देखा, स्वच्छ पानी में शेर ने अपना ही शक्ल देखा और उसने एक दहाड़ लगाई और वो दहाड़ उसी ने ही फिर से सुना। तो उस और सोच रहा था कि अंदर ही है शेर, मुझे इसको मारना है, बोल के वो कुएं में कूद पड़ा और डूब के मर गया। तो हम इससे क्या सीखते हैं? हम इससे यही सीखते हैं कि चालाकी और बुद्धि से कोई भी काम करने से सफलता ज़रूर मिलती है। धन्यवाद।